नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियर्स ने मनाया ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा को संरक्षित करने पर दिया जोर। जहर खाने से नौजवान की हुई मौत, मृतक करता था कैटरिंग का काम। पशु हॉट बाजार में ट्रक में भरी 16 भैंसे की जब्त, ट्रक मालिक को किया गिरफ्तार। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, मृतक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था ठकुकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अलवर लोकल सेंटर और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आज ऊर्जा संरक्षण दिवस विद्युत सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर जौहरीलाल मीणा, अधीक्षण अभियंता JVVNL थे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने सभी इंजीनियरों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य वक्ता इंजीनियर महिपाल सिंह यादव, अधीक्षक अभियंता RVPNL अलवर के ऊर्जा संरक्षण का महत्व बताते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा को संरक्षित करने पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता संस्था के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष जोशी ने बताया कि हमें बिजली का उपभोग जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए और घरों व कारखानों में सोलर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऊर्जा का अभाव न हो। संस्था के मानद सचिव इंजीनियर RCL शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर लक्ष्मीकांत तिवाड़ी और सह संयोजक इंजीनियर पंकज तिवाड़ी थे। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सहायक अभियंता RVPNL ने किया। कार्यक्रम ने इंजीनियर OP शर्मा, गोविंद अग्रवाल, सतीश शर्मा, राजेश कुमार सहित सभी अभीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने भाग लिया। अलवर शहर के मध्य में घंटा घर के इर्द गिर्द दुकान के ग्राहकों के सड़क पर वाहनों को पार्क कर देने से सड़क मार्ग गली का रूप ले लेता है। न्यू तेज मार्केट के रेस्टोरेंट के आगे दुकानदारों के ग्राहकों को खाना नाश्ता व परोसने से मानो सड़क दिल्ली के चांदी चौक के बाजार की भांति गली बन जाती है। घंटाघर पर दिन भर यातायात कर्मी मौजूद रहते हैं, लेकिन यातायात सुचारू रहे इसके लिए वे गंभीर नहीं है। आए दिन जाम की स्थिति होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी अनजान बने रहते हैं। बेशक गाहे बगाहे नगर निगम कार्यवाही अवश्य करता है, लेकिन वह औपचारिक बनकर रह जाता है। कुछ दिन के भीतर फिर सड़क पर ही वाहन पार्क करने लगते हैं, जिससे सड़क से वाहन निकलना चुनौती बन जाती है। खैरतल जिला मुख्यालय में अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। एक ई रिक्शे में बदमाश सवारी बनकर बैठ गए, रास्ते में मारपीट कर नकदी व ई रिक्शा छीन कर फरार हो गए, जिसकी प्राथमिकी पीड़ित की तरफ से खैरतल थाने में दर्ज करवाई गई है। पीड़ित मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल चाटव निवासी वार्ड नंबर 13 खैरतल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 11 दिसंबर को शाम करीब 7:45 पर वो रेलवे फाटक खैरतल पर अपने साथी राजू पुत्र मामला राम के साथ ई रिक्शा में दो सवारी हरसोली छोड़ने के लिए बैठा कर रवाना हुए। भोजपुर गांव से थोड़ा आगे चलने पर सवारी के दो साथी मिल गए और कहा कि उनको गिरवास छोड़ना है। रिक्शा चालक ने जब गिरवास जाने से मना किया तो चारों ने कहा कि किराया गिरवास गांव में दिला देंगे, जिस पर गिरवास गांव के थोड़ा सा आगे तिराहे के पास उनके चार साथी हाथों में डंडे लेकर और गए। उन्होंने रिक्शा चालक मनोज व उसके साथी राजू के साथ मारपीट करते हुए जेब से 1740 रुपए छीन लिए और ई रिक्शा की चाबी छीनकर रिक्शा लेकर गिरवास गांव की तरफ भाग गई। पीड़ित ने खैरतल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नवनिर्वाचित विधायक ललित यादव ने उपखंड कार्यालय स्थित VC कक्ष में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को आमजन के हित में कार्य करने के निर्देश देते हुए विधायक ने कहा कि अब मुंडावर में पूर्व में जो अधिकारी टेबल के नीचे से जो गलत काम कर रहे थे उन्हें बंद करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सभी अधिकारी आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभ तरीके से पहुंचाएं। आमजन के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दें। विकास अधिकारी को कहा कि अब पंचायत समिति में दलाली के खेल को बंद करें। इस दौरान SDM प्रियंका बड़गुजर, तहसीलदार मदन सिंह, BDO सानू अग्रवाल, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह, सहायक अभियंता PWD रश्मि अग्रवाल, BCMO जयवर्धन खैरिया, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
अभी कारण तो ये रहा कि सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की आज मीटिंग ली है और आज से पूर्व में जो यहाँ उनावर में जो घटनाक्रम चल रहे थे उन सबके बारे में सभी अधिकारी से अवगत कराया है और बताया कि यहाँ चुनाव होने के बाद में जनता के हित में अधिकारी और नेता क्या काम कर सकते हैं। जब मैं खुद की भी ड्यूटी समझता हूँ कि मुझे भी जनता ने चुना है तो मैं जनता के हित में क्या काम कर सकता हूँ, किस तरीके से उनको फायदा पहुँचा सकता हूँ, जनता के लिए जीवन कितना सुलभ मैं कर सकता हूँ, उसमें मैं खुद प्रयास करूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब लोग भी उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम करें। टेबल के नीचे से जो काम हो रहा था उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मेरी सख्त सबसे हिदायत भी थी कि ये काम आगे से यहाँ होगा तो प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी उस बात को भुगतने के लिए तैयार रहे कि अब मुंडावर में टेबल के नीचे वाला काम चालू नहीं रहेगा जो पीछे रहा। हम सब लोग चाहते हैं कि जनता के हित में काम हो, जनता की भलाई में काम हो, जनता को सुविधा मिल सके, शासन प्रशासन की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके और जिस तरीके से जनता के रक्षा और सुरक्षा के लिए उनके काम के लिए अधिकारी यहाँ बैठा है वो केवल उसी में फोकस करे, अपनी नौकरी करे और अगर अधिकारी भी कोई बात आती तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं लेकिन टेबल के नीचे वाला काम अब बर्दाश्त। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के 200 फुट रोड स्थित स्टार रिजॉर्ट गार्डन में बुधवार रात करीब 1 बजे महिला के पर्स से 1,20,000 रुपए, चांदी की पायजेब व मोबाइल चोरी हो गई। संदिग्ध चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजगढ़ तहसील के सकट निवासी महिला शकुंतला पांचाल ने गुरुवार सुबह थाने पर रिपोर्ट दी है कि वह अपने भतीजे गोलू पांचाल की शादी में अलवर आई थी। यहाँ 200 फुट रोड पर स्टार रिजॉर्ट गार्डन में रात करीब 1 बजे के आसपास कमरे में रखे पर्स से 1,20,000 रुपए नकदी, चांदी की पायजेब व मोबाइल चोरी हो गया। जब सीसीटीवी देखे तो पता लगा कि रात को कैटरिंग का काम करने वाले लड़के कमरे के अंदर घुसे, उनकी फोटो भी सीसीटीवी से पता चली है। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मामले की जांच जारी है, जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। गार्डन में कमलेश पांचाल के बेटे गोलू की शादी थी जिसकी शादी में चाची सक्कट गांव से आई हुई थी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लंदन डेयरी खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वेरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन वेरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम अलवर। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सक्कट ग्राम में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन पर गुरुवार को महिला मेटों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पंचायत समिति राजगढ़ के विकास अधिकारी समुद्र सिंह के निर्देश
अनुसार आयोजित किया गया। शिविर के दौरान शिविर प्रभारी पंचायत समिति राजगढ़ के कनिष्ठ अभियंता रूप राम बैरवा के द्वारा शिविर में उपस्थित महिला मीटों को मैट के कार्य जैसे मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज कराना, दैनिक श्रमिकों की टास्क भरना, ऑनलाइन NMMS से उपस्थिति दर्ज करना, श्रमिकों को मौके पर टास्क देना व उनकी दर निकालना आदि कार्यों की जानकारी दी गई। शिविर में ग्राम पंचायत सकट के अलावा ग्राम पंचायत सुरेर, निमला, मोतीवाड़ा, राजपुर बड़ा, नाथलवाड़ा, भिगोता, कुंडला, श्रीचंदपुरा सहित 9 पंचायतों की करीब 40 महिला मेटों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी ललित, रोहित, भानु प्रताप, महेश सैनी, राजेश कुमार बैरवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजीव गांधी सेवा केंद्र सकट में आज महिला प्रशिक्षण कार्य रखा गया, जिसमें विकास अधिकारी महोदय समुद्र सिंह के आदेश अनुसार महिला मैठों को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग ग्राम पंचायत 9 ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। उसमें 40 महिला उपस्थित रही, जिनको टास्क निकालना और मिस्टोल भरना, NMS से हाजिरी करना सिखाया गया और उसमें उपस्थित दर्ज करना सिखाया गया और मौके पर कार्य का मेजरमेंट करना इत्यादि आदि सिखाया गया। अलवर शहर के जयपुर रोड पर परशुराम सर्किल के नजदीक से ही तहसीलदार कॉलोनी तक सड़क के किनारे ही पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर लेने से कभी भी बड़ी सड़क दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल इस व्यस्त सड़क मार्ग पर सड़क के किनारे ही प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर दुकानों का पक्का निर्माण कर लिया गया है। साथ ही इन अवैध निर्माण कार्य के आगे दुकानदार ग्राहक और दुकानदार के परिचित कुर्सी लगाकर सूर्य का ताप लेते हुए नजर आते हैं, जिससे इस मार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ते दुपहिया और चौपहिया वाहन असंतुलित होकर दुर्घटना को संभव बना सकते हैं। अतिक्रमण से कुछ आगे विकट घुमाव होने से जयपुर की तरफ से आने तेज रफ्तार वाहन कुछ हद तक हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वे वाहन चालक तुरंत संतुलन बना लेते हैं, लेकिन आगे सड़क के किनारे ही अतिक्रमण कर कुर्सी बैठाकर बैठे रहने से तेज रफ्तार वाहन चालक फिर संतुलन बनाकर बेमुश्किल वाहन निकाल पाते हैं। शहर के जागरूक नागरिकों और वाहन चालकों ने प्रशासन से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की पुरजोर मांग करी है। पिछले दिनों पड़ रही गुलाबी सर्दी में इजाफा होने लगा है। सुबह के वक्त आसमान में आमजन को सूर्य के दर्शन नहीं हुए। पिछले साल दिसंबर माह में लोग ठंड और शीतलहर से परेशान थे, वहीं इस बार ठंड पिछली बार की तुलना में कम पड़ रही है। आज धूप ने लुका छुपी खेली, जिससे ठंड महसूस हुई। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सर्दी कम पड़ रही है, प्रदूषण का स्तर भी प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण का स्तर 197 है, जो लिमिट से ज्यादा तो है लेकिन नुकसानदेह नहीं है। बदलते मौसम में बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं, जिससे बचाव की आवश्यकता है। बहरहाल सूर्य की लुका छिपी के चलते आमजन को ठंड का एहसास हो रहा है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राठ इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड राठ टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। फोर्थ क्लास 3rd to 10th, एग्जाम टाइम 11 AM टू 12 PM, फर्स्ट लेवल ऑन 7 जनवरी 2024 एंड सेकेंड लेवल ऑन 21st January 2024। सेकेंड लेवल एग्जामिनेशन ओनली फॉर फर्स्ट लेवल पास आउट स्टूडेंट्स। कैश प्राइज फॉर RTSE 2024, क्लास 10th फर्स्ट टॉपर 51,000, सेकेंड टॉपर 31,000, थर्ड टॉपर 21,000, फोर्थ टॉपर 1,100 एंड फिफ्थ टॉपर 5,100। क्लास 9th फर्स्ट टॉपर 31,000, सेकेंड टॉपर 21,000, थर्ड टॉपर 11,000, फोर्थ टॉपर 5,100 और फिफ्थ टॉपर 3,100। 6th to 8th क्लास फर्स्ट टॉपर 21,000, सेकेंड टॉपर 11,000, थर्ड टॉपर 5,100, फोर्थ टॉपर 3,100 एंड फिफ्थ टॉपर 2,100। क्लास 3rd to 5th फर्स्ट टॉपर 11,000, सेकेंड टॉपर 5,100, थर्ड टॉपर 3,100, फोर्थ टॉपर 2,100 और फिफ्थ टॉपर 1,100। एग्जाम सेंटर्स राठ इंटरनेशनल स्कूल कैंपस अलवर, बहरोड एंड कुंड। कॉन्टेक्टर्स 9887412606 एंड 9887637800। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर विधायक ललित यादव ने चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं के बीच पहुंचकर धन्यवाद यात्रा की शुरुआत आज पैतृक गांव फौलादपुर से की। विधायक ललित यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग की बदौलत मुझे विधायक बनाया गया है।
विधायक ने कहा कि आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्याओं का सुनकर समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। विधानसभा क्षेत्र के गांव की चौपाल पर पहुंचकर लोगों को धन्यवाद करूंगा, साथ ही लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मुंडावर का चुनाव विशेषकर जातिवाद पर होता आया है, लेकिन इस बार चुनाव जातिवाद पर ना होकर जनता के बीच में रहने और लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले को चुनाव में सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे विधायक बनाया। फौलादपुर गांव की चौपाल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र चौधरी ने की। ग्रामीणों ने 51 फीट लंबे साफे से विधायक का सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच बाबूलाल यादव, विद्यासागर यादव, सुभाष फौजी, यशवंत मास्टर, दुर्गा प्रसाद मास्टर, रामजस मास्टर, एडवोकेट सुनील यादव, पूर्व प्रिंसिपल शंकरलाल यादव, कन्हैया लाल पंच सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। भिवाड़ी के थड़ा गांव में स्थित आशियाना टाउन सोसाइटी के लोग बुधवार को अपनी अनेक मांगों को लेकर भिवाड़ी थाने पहुंचे और आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भिवाड़ी थाने में प्रदर्शन किया। साथ ही भिवाड़ी थाने के पुलिस अधिकारियों पर आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने पुलिस अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भिवाड़ी थाने की एएसआई महेंद्र सिंह लोगों को सफाई देते हुए नजर आए। आशियाना टाउन के आरडब्ल्यूएस अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि सोसाइटी के अंदर भारी भरकम मेंटेनेंस चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके सोसाइटी में लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। मनमाने तरीके से मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जा रहा है। सोसाइटी के रहने वासियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूलने सहित सुविधा नहीं देने का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लोगों के साथ मनमर्जी कर रहा है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी सोसाइटी में आने वाले मेहमानों को भी रोक देते हैं और उनसे जबरदस्ती मेंटेनेंस चार्ज दिलवाने की बात कहकर उनकी बेइज्जती की जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है। इस मामले को लेकर कई बार थाने में लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन भिवाड़ी पुलिस आशियाना बिल्डर के दबाव में काम कर रही है और लोगों के द्वारा दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ दिन पहले ही आशियाना टाउन में ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा सोसाइटी के एक व्यक्ति के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। उसमें व्यक्ति की पत्नी के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया था, जिसकी एफआईआर भिवाड़ी थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आशियाना कर्मचारियों के दबाव में आकर उस मामले में मात्र 151 की धारा लगाकर उसे रफा दफा कर दिया, जबकि महिला के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर एके सिंह ने आरोप लगाए हैं कि जब सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ भी होता है तो थाने में शिकायत देने के बाद भी पुलिस कई दिनों तक नहीं आती है, लेकिन आशियाना कर्मचारियों के द्वारा एक फोन करने पर ही पुलिस तुरंत सोसाइटी में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। पहले आप मेरी बात ऐसा पहले ऐसे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पहले, कोई बात नहीं होगा। और समस्या बहुत है, एक रास्ता तो है नहीं कि यही रास्ता बंद है। आप मेरी बात समझो, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो साहब, आपको है आप एक सरकारी ये हो, आपको उनका समस्या को समाधान करना है ना कि उलझाना है। मेरी बात तो सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो, आपको समस्या को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। आज इतने सोसाइटी के लोग बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, सारे आए हैं ना, कोई परेशानी है तभी तो आए हैं। आज अगर इनकी परेशानी अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम क्या करें? अगर वो एक आदमी आप कह रहे हो उसको उसके लिए आपको तकलीफ होगी, वो प्रिंटर उठा के लाएगा, वो ये उठा के लाएगा, और इतने आदमी आए उनके लिए तकलीफ नहीं। आपको आगे तो भेज नहीं रहे हैं रोहताजी की हिम्मत है कि अचानक किसी एक बंदे को बुलाए, नहीं बुला सकते वो, नहीं बुला सकते वो, आप बुला रहे हैं आप बुला रहे हैं वो करते हैं, वो आप करते हैं, आप आशियाना समिति के लोग हैं, करते हैं, आप करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं, आप लोगों को कभी किसी ने नहीं लग सकती, पुलिस मार रही है, तो हम क्या हमें बात नहीं पाएगा, कानून का फायदा है, कानून की बात कर रहे हैं, आप कानून लगाओ ना, आप बैठ के सुलझाओ ना, आप साइन करो जाके अपने बयान को बंद करवा के, सर आप हम लोग आए साइन करें, कि आपने कह दिया और साथ ही ना साइन करने को बंद करवाया, नहीं बोल रहे तो है सर। ये समस्या आज दिख नहीं रही है, ये बहुत पहले से है, ये तो एक ट्रेलर है। हम 2 साल से लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए,
जो सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं आज राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में, उसको लेकर ट्रायल कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया था। आसियाना इस बात को मानता नहीं है, वो बोलता है हम कानून से ऊपर हैं, हमारा एग्रीमेंट कानून से ऊपर है। उसको नहीं मानने के बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए, ये हाई कोर्ट को भी नहीं मानता और पुलिस की मदद से ये हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इसके मनमाने चार्जेस को जो बजट पास कराए बगैर ये लेना चाहता है हम देते रहें। आप बताएं जिसमें ये बगैर एग्रीमेंट का 25% सर्विस चार्ज लेता है, हम उन चीजों को हमने कहा इसको हम बंद करेंगे, आप आकर के टेबल पे बैठिए, जो तय होगा उसको हम देंगे। ये टेबल पे आना नहीं चाहता, कानून को मानना नहीं चाहता और गुंडागर्दी करके पुलिस की मदद से, पुलिस हर बात में इनके सपोर्ट के लिए वहां आ जाती है और हम लोगों को क्या अधिकार है बताइए आरडब्ल्यूए को, जब हमारी मीटर की भी चाबी इनके पास पड़ी हुई है, हम अपने मीटर को नहीं खोल सकते, हमारा एमसी भी गिर जाए उसको उठा नहीं सकते, ऐसे कानून का क्या करें सर। कौन है वो आदमी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आदमी विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो पूरे महकमे की बात कर रहा हूँ। आप देखिए एक साल पहले हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि चाबी उनके पास है, किनके पास में वो आदमी है? मनीष चौहान है जो मेंटेनेंस देख रहा है आज, वो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज धर्म सिंह के साथ मिलकर के हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। ये आसियाना के आदमी है जी, आसियाना का आदमी है। अभी आप ही बताइए कब तक हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? अभी आपने कहा गुंडागर्दी करते हैं, क्या क्या गुंडागर्दी करते हैं? सर मैं कह तो रहा हूँ, हमारी मेड को रोक दिया उन्होंने गेट पे, अब बताइए महिलाएं कैसे काम करेंगी, कैसे खाना बनेगा, बर्तन साफ कैसे होगा, ठंड में कैसे काम होगा, उसके बाद गेस्ट को नहीं आने दे रहे। टेनेंट की गाड़ी जब बाहर जाती है उसकी फैमिली बैठी हुई है, मानवाधिकार के केस में आप बताइए, उनको रोक देते हैं कि जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे, और उससे मेल भी करवाते हैं कि आप ही मेल करो कि हम आपको पैसे देके जाएंगे। अभी एक त्रासदी है ये सर, आप बताइए लग रहा है कि हम डेवलपिंग कंट्री में भी रह रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? अभी एक महिला कह रही थी यहाँ पे कि वो मंदिर की इंचार्ज हैं, और जब वो मंदिर में पूजा करने जाती हैं या ताला लगाने जाती हैं, खोलने जाती हैं, तो उसके पीछे पांच पांच गार्ड भेजे जाते हैं, क्या मामला है? देखिए मंदिर जो है लोगों के लिए, इसमें आसियाना का कोई रोल नहीं है। एक तो ये इन्होंने मंदिर जो है गलत तरीके से बना रखा है, उसको हम लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभालने नहीं देना चाहता, इसने पुजारी के दान पेटी की भी चाबी लगा करके वो उससे मेंटेनेंस पुजारी की वसूल कर रहा है। आप बताइए इससे नीच काम क्या हो सकता है? पुजारी से मेंटेनेंस वसूला जा रहा है, पुजारी से जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है उसके फ्लैट का, वो उसके दान पेटी से लिया जा रहा है। आप बताइए जो फ्लैट उसके बेटे के नाम पे, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं। अभी आप चाबी क्यों रखा हुआ जब दान पेटी पंडित के लिए है, पुजारी के लिए है, तो पुजारी जी को क्यों ऐसे किया हुआ चाबी नहीं दे रहे वो? दूसरी बात, पुजारी को 1500 रुपए हमारे बजट में हुआ करता था, उनके सैलरी को रोक दिया, फिर हम चंदा करके उनको 3500 रुपए दे रहे हैं, तो कैसे बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? अभी आप थाने आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन ये मिला है कि एमसीबी नहीं गिरने दिया जाएगा, अगर गिरेगा तो वो खुद उठाएंगे, हमें प्रताड़ित नहीं करेंगे। थाने आते हैं जब तक ऐसा ही होता है उसके बाद, लेकिन हमें आप बताइए हमारे को थाने से क्या उम्मीद करूं? एक साल पहले हमने यही केस किया था कि JBBL के लाइट काट रहे, इन्होंने क्लोजर लगा दी, उसमें इन्होंने ये लिख दिया उसमें कोर्ट में कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि हमारा गलत है आरोप, बताइए मुझे? ये उनकी पक्ष सुनते हैं, हमारी पक्ष नहीं सुनते, क्या उम्मीद करें? अभी पुलिस और आपके बीच में बहस हो रही थी, आप आरोप लगा रहे थे पुलिस अधिकारी पर भी कि उनसे मिली भगत करके आप जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या मामला है? सर अभी अभी रोहतास जी वहाँ पे आए थे, पता चला कि किसी ने कंप्लेन किया है कि वो झगड़ा हो रहा है, जबकि हम इकट्ठे होकर के यहाँ आ रहे थे, जब हमने पूछा आपने क्या कार्रवाई की तो उन्होंने कहा आप जाओ SHO के पास। झूठे कंप्लेन पे भी वो वहाँ आ जाते हैं, हमारे कंप्लेन पे नहीं आते वो। अब आरोप लगाना क्या बाकी रहेगा? एक महीने पहले EWS में आसियाना वालों ने एक बंदे को पीटा था, और उसके बाद जब बंदे को पीटा था तो यहाँ पे 3 महीने क्या 4 महीने हो चुके हैं, पुलिस ने ना तो उस बंदों को अरेस्ट किया, जबकि मारपीट और लूटपाट का और उसकी वाइफ तक को छेड़ा गया था, और धारा बनती है कुछ और धारा 151 में उन बंदों को बंद करके छोड़ दिया गया क्यों, और अभी तक उन बंदों को अरेस्ट नहीं किया, ना उनको हटाया, ना कुछ उनके
प्रति 1% भी कोई मतलब ऑप्शन उठाया गया। यानी पुलिस आशियाना के प्रभाव में काम कर रही है। हाँ जी बिल्कुल करती है। जो चार महीने हो गए जो बंदे नेचुरल सी बात है, अगर मैं कोई गलत कर्म करूंगा तो नेचुरल सी बात है पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी। उन बंदों को क्यों नहीं किया अभी तक? वो बंदे कैसे खुले घूम रहे हैं? कोई किसी की बात को छेड़ गया, किसी को मारता है पीटता है। तो भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र में कई दिनों चोरी की वारदातें इतनी होने लगी हैं कि आम लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो खेतों में खड़ी फसल को उजाड़ कर खेतों से सैकड़ों डंपर मिट्टी के चोरी करके ले गए। एक तरफ जहां शहर में आए दिन बाइक और फोर व्हीलर चोरी हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर और खेतों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर भी अब चोरों के निशाने पर आ रहे हैं। भिवाड़ी फूलबाग थाने में 3 अलग अलग तरह की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। भिवाड़ी के शहाड़ोद में डिस्कॉम फीडर के इंचार्ज विकास अहलावत ने बताया कि गांव में लगे हुए एक बिजली के ट्रांसफार्मर में से कॉपर और तेल चोरी होने की रिपोर्ट भिवाड़ी थाने में दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि 12 दिसंबर की रात करीब 2 बजे अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर का सामान कोपर और तेल चोरी करके ले गए। तो वहीं दूसरी तरफ खिजूरीवास गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया है कि उसके घर के सामने खड़ी इको गाड़ी को 4 दिसंबर को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसी तरह भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना मेव के खेत में से मिट्टी और पेड़ चोरी करने की शिकायत भिवाड़ी एसडीएम को देते हुए भिवाड़ी थाने मामला दर्ज करवाया गया। हरचंदपुर के रहने वाले आजाद सिंह पुत्र नैन सिंह गुर्जर ने बताया है कि रामपुर मुंडाना मेव में खरसा नंबर 167, 555 और 166 में उसकी 4 बीघा जमीन है, जिसमें वह पिछले 27 साल से काबीज और साझेदारी से खेती करता है। इसके खेत में से मुंडाना मेव के ही रहने वाले अयूब व जान मोहम्मद पुत्र करीम खान ने गत 2 महीने में करीब 200 डंपर मिट्टी के चोरी कर लिए थे। इसकी खड़ी फसल को उजाड़ दिया और खेत में गहरे गड्ढे कर दिए, जिसकी शिकायत उसने गत 19 अक्टूबर को पुलिस थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही जान मोहम्मद और अयूब को जब मिट्टी उठाने के लिए मना किया जाता है तो वह जान से मारने की धमकी भी देते हैं। भिवाड़ी में बढ़ रही लगातार चोरी की वारदातों ने भिवाड़ी के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खासतौर से भिवाड़ी फूलबाग थाने क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। चोर और बदमाशों के द्वारा पुलिस को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों और बदमाशों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसे में शहर के लोगों में भय का माहौल है। नीमराना नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट मांस की दुकानों को बंद करवाने को लेकर वन्य जीव प्राणी संरक्षक समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन के अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज के नेतृत्व में गौ सेवकों एवं ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पंकज बड़गुजर उपखंड अधिकारी नीमराना को ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में बताया गया था कि नीमराना व आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से खुले में चल रही मीट मांस की दुकानों से भावनाएं आहत होती हैं, जिन्हें बंद करवाया जाए, जिसको उपखंड अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर तुरंत कार्यवाही करते हुए रिको रीजनल मैनेजर आरके सिंह, वरिष्ठ रीजनल मैनेजर राहुल के भट्ट ने खुलेआम चल रही अवैध मीट की दुकानों को हटाने की कार्यवाही की। वन्य जीव प्राणी संरक्षण सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज ने ज्ञापन में बताया है कि नगर पालिका क्षेत्र नीमराना में अवैध रूप से खुलेआम मांस की दुकानें चल रही हैं। नीमराना क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, समुदाय विशेष एवं स्थानीय लोग खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए जानवर काट कर बेचने का कार्य कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त था। वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज को ग्रामीणों ने बताया कि खुलेआम अवैध रूप से चल रही मीट मांस की दुकानें हिंदू त्योहारों, नवरात्र, पितृपक्ष, मंगलवार व पूर्णिमा के दिन भी खुली रहने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए अवैध रूप से चल रही मीट मांस की दुकानों को बंद करवाया। राजकर थाना क्षेत्र के थाना राजाजी का बास में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के मामा महेश कुमार यादव ने बताया कि मनीष यादव थाना राजाजी का बास का रहने वाला था और वह शादी पार्टियों में कैटरिंग का कार्य करता था। मनीष घर से राजगढ़ में शादी समारोह में कैटरिंग का कार्य करने गया हुआ था। वहां उसने कैटरिंग का कार्य करने के बाद खाना खाया और उस पर घर आकर सोने आया। उसके बाद अचानक मनीष को उल्टी होने लगी, जिसको परिजन राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक मनीष का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या ये कैटरिंग का काम करता था? शादी में आया था और उसके बाद में शादी आगे तो घर लेट गया था। उसके बाद में इसको उल्टी हुई है। उल्टी होने के बाद में हम यहाँ राजगढ़ हॉस्पिटल ले गए थे। राजगढ़ हॉस्पिटल से यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने।
इसने बताया नहीं कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया इसने, बाद में सुबह बताया था कि मैंने सेल फोन खाई है। रहने वाला कहाँ था ये? थाना राजा जी, राजगढ़। कैटरिंग का काम करने गया था? कैटरिंग काम करने राजगढ़ में ही गया था। अच्छा, हाँ तो कुछ चीज खाली वाला वहाँ पे नहीं खाई कहेंगे, अभी पता नहीं है कहाँ खाई है इन्होंने, वहाँ तो इसने दाल रोटी खाई बताई, ये घर में दाल रोटी खाई बस। उसके बाद में कहाँ भर्ती कराए? राजगढ़ ले गए थे, राजगढ़ थाना में, राजगढ़ उसमें हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से फिर कहेंगे यहाँ रेफर कर दिया राजगढ़ वालों ने, डॉक्टर साहब ने। ये मौत हो गई? हाँ यहाँ मौत हो गई। सुबह शादीशुदा था? नहीं यहाँ विवाही था, शादीशुदा नहीं था। कितने भाई है? दो भाई था, ये बड़ा भाई है जयपुर रहता है, जयपुर नौकरी करता है, ये आ रहता है इस साथ। थाना राजगढ़ लगे? हाँ थाना राजगढ़ लगे। अलवर जीआरपी थाना क्षेत्र के कालीमोरी फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतक युवक के परिजन ने बताया कि जयराम बहतुगला गांव का रहने वाला था और टपुकड़ा में हीरो होंडा कंपनी में काम करता था। कंपनी से छुट्टी लेकर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस कल शाम को टपुकड़ा हीरो होंडा कंपनी में जा रहा था, तभी कालीमोरी फाटक के पास ट्रेन से कट गया, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। जीआरपी के हेड कांस्टेबल सतेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक जयराम बहतुगला गांव का रहने वाला था और हीरो होंडा कंपनी में कार्य करता था, जो कालीमोरी फाटक पर शताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात्रि में करीब 7:45 के आसपास रेलवे स्टेशन मास्टर ने टेलीफोन सूचना देखी, एक व्यक्ति कालीमोरी फाटक पर ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से रन ओवर हो गया, जिस पर थाना जैसे जाब्ता मैसेज चुके पहुंचे, मतलब की रात को शिनाख्त हो गई थी, जिसकी लाश रात्रि होने के कारण से सरकारी अस्पताल के थ्री घर में रखवाई गई। मृतक के परिजन मौजूद हैं, जिनका पोस्टमार्टम किया जाकर लाश दाह संस्कार हेतु सुपुर्द की जा रही है। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम जयराम है, ये बैतुकला खेड़ा बैतुकला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है ना? अभी कोई कारण जांच में आया नहीं है, जांच जारी है। समारोह में शामिल होकर जा रहा था? हाँ अपनी कंपनी में जा रहा था, कंपनी के घर से कंपनी में गए थे। इसकी 23 साल है, शादीशुदा नहीं, बिना अनमैरिड है। अनमैरिड है? पिता का नाम लीला राम है। कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेन की चपेट में आ गई। कहाँ पर? कालीमोरी फाटक। क्या सूचना मिली थी आपको? फोन के माध्यम से मिली। क्या बताया था पुलिस को? उनके फोन नंबर थे और आधार कार्ड था। अच्छा, तो ये यहाँ क्या करने आए थे? ये टपुकड़े जा रहे थे। किस काम से? कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? होंडा में। होंडा कार। कब आए थे? घर से तो घर पे थे, आए थे 3 तारीख को मेरा है। उसके बाद? उसके बाद वो शादी की शादी अटेंड करके नहीं रिटर्न हो रही थी। फिर क्या हुआ था? नहीं जा रहा था जब चपेट में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कौन सी गांव के निवासी है? बैतुकला। कठुमर कस्बे के नगर रोड स्थित लगने वाले पशु हाट बाजार में अवैध गतिविधि की शिकायत पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने पुलिस के साथ में नगरपालिका कार्मिकों के साथ छापा मारकर निरीक्षण किया। चेयरमैन शेर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मेजर नामे से SDM नगरपालिका और थाने पर पशु हाट बाजार में अवैध गतिविधि होने की शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस के साथ नगरपालिका चेयरमैन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में अवैध रूप से बिना लाइसेंस बेचना पाया गया, ट्रकों में क्रूरता से भैंस भरने का प्रकरण सामने आया है। चेयरमैन ने बताया कि हाट बाजार में कई अवैध गतिविधियों की सूचना है, जिसकी जांच की जा रही है। इधर सूचना पर पहुंचे पुलिस हेड कांस्टेबल नवल सिंह ने बताया कि एक ट्रक से 16 भैंस बरामद कर ट्रक मालिक इलियास पुत्र इकबाल कुरेशी निवासी करीम मुल्ला का बास को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।